मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे संस्कृत ग्रंथों में एक श्लोक है, आत्मार्थम जीव लोके अस्मि, कोन जीवति ही मानव परम परोपकारार्थम यो जीवति स जीवति। अर्थात अपने लिए तो संसार में हर कोई जीता है, लेकिन वास्तव में वही व्यक्ति जीता है जो परोपकार के लिए जीता है। भारत माँ के बेटे बेटियों के परोपकार के प्रयासों की बातें, यही तो मन की बात है। आज भी ऐसे ही कुछ और साथियों के बारे में हम बात करते हैं। एक साथी चंडीगढ़ शहर के हैं। चंडीगढ़ में मैं भी कुछ वर्षों तक रह चुका हूँ। यह बहुत खुश मिजाज और खूबसूरत शहर है। यहाँ रहने वाले लोग भी दिलदार है। और हाँ, अगर आप खाने के शौकीन हो तो यहाँ आपको और आनंद आएगा। इसी चंडीगढ़ के सेक्टर 29 में संजय राणा जी फूड स्टॉल चलाते हैं और साइकिल पर छोले भटूरे बेचते हैं। एक दिन उनकी बेटी रिद्धिमा और भतीजी रिया एक आइडिया के साथ उनके पास आई। दोनों ने उनसे कोविड वैक्सीन लगवाने वालों को फ्री में छोले भटूरे खिलाने को कहा। वे इसके लिए खुशी खुशी तैयार हो गए। उन्होंने तुरंत ये अच्छा और नेक प्रयास शुरू भी कर दिया। संजय राणा जी के छोले भटूरे मुफ्त में खाने के लिए आपको दिखाने पड़ेगा कि आपने उसी दिन वैक्सीन लगवाई है। वैक्सीन का मैसेज दिखाते ही वे आपको स्वादिष्ट छोले भटूरे दे देंगे। कहते हैं, समाज की भलाई के काम के लिए पैसे से ज्यादा सेवा भाव, कर्तव्य भाव की ज्यादा आवश्यकता होती है। हमारे संजय भाई इसी को सही साबित कर रहे हैं। साथियों, ऐसे ही एक और काम की चर्चा आज करना चाहूंगा। ये काम हो रहा है तमिलनाडु के नीलगिरी में। वहां राधिका शास्त्री जी ने एम्बुरेक्स प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। इस प्रोजेक्ट का मकसद है पहाड़ी इलाकों में मरीजों को इलाज के लिए आसान ट्रांसपोर्ट उपलब्ध कराना। राधिका कुन्नूर में एक कैफे चलाती है। उन्होंने अपने कैफे के साथियों से एम्बुरेक्स के लिए फंड जुटाया। नीलगिरी पहाड़ियों पर आज 6 एम्बुरेक्स सेवारत हैं और दूर दराज के हिस्सों में इमरजेंसी के समय मरीजों के काम आ रही है। एम्बुरेक्स में स्ट्रेचर, ऑक्सीजन सिलेंडर, फर्स्ट एड बॉक्स जैसी कई चीजों की व्यवस्था है। साथियों, संजय जी हो या राधिका जी, इनके उदाहरणों से पता चलता है कि हम अपना कार्य, अपना व्यवसाय, नौकरी करते करते भी सेवा के कार्य कर सकते हैं।